So hello everyone, good afternoon, welcome back. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे वीडियोस के अंदर मोस्टली कमेंट आ रहे थे कि भाई आपके मोटो व्लॉगिंग सेटअप के ऊपर वीडियो बनाओ, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है एज अ बिगनर क्रिएटर। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, गाइज, मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने के पहले ना दो चीज़ें नेसेसरी है, या तो आपके पास बाइक होना चाहिए या तो आपके पास स्कूटी होना चाहिए। दोनों चीज़ों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। सेकंड थिंग, आपके पास एक अच्छा क्वालिटी का आपके पास हेलमेट रहना चाहिए। जैसे कि मैं आपको मेरा हेलमेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हेलमेट वेगा का हेलमेट है, मैंने सिर्फ इस पर स्टिकरिंग किया है AGV का। और ये हेलमेट मेरा 2000 रुपीज़ का है। और आपको ऐसा हेलमेट लेना है जिसकी पैडिंग रिमूवेबल हो, जिसके अंदर आपका माइक एकदम अच्छे से फिट हो सके, ठीक है। और आपको ना माइक के अंदर आपको ज़्यादा पैसे आपको खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी का माइक यूज़ किया है, जैसे कि बोया हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड्स के मैंने यूज़ किया माइक। बट सबसे अच्छा क्वालिटी है ना ये 400 रुपये के एयरफोन, ये एयरफोन है बाय द वे, मैं बता देता हूँ, माइक नहीं है ये कोई, ये एयरफोन है, बोल्ट का एयरफोन है ये। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और इसको कैसे फ़िट करना है ये भी तुम लोगों को मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये देखो, मैंने जैसे कि फ़िट किया, पकड़ एक सेकंड अच्छे से, ये देखो इसकी वायर है ना, मैंने अंदर से पूरा डाला है। फिर ये पैडिंग के अंदर भी पूरा वायर है इसके, फिर ये वाले पैडिंग के अंदर भी पूरा वायर है, फिर ये पूरा वायर है ना, यहाँ से मैंने पूरा घुमा घुमा के, पूरे हेलमेट के अंदर घुमा घुमा के पूरा इसको, मतलब ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे कि माइक कैसे फ़िट करना है। और आपको ना एक बार लेना है, आपको कोई भी आपको ये वाला एयरफोन एक बार लेना है, और इसके अंदर एक बार आप फिट कर दोगे ना तो बार बार इसको निकालना नहीं, क्योंकि बार बार आप निकालोगे तो इससे क्या होगा, इसका जो ये होता है ना, इसके जो पैडिंग्स के जो क्लिपिंग्स जो रहते हैं ना, क्लिपिंग्स फिर लूज़ हो जाएंगे, फिर हेलमेट देखो ऐसा बाहर आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एक बार लगा के इसको छोड़ दो। गाइज, मैं आपको अभी इसके प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, जो भी पूरा सेटअप का आपको टोटल आपको पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं, हेलमेट हो गया 2000, फिर ये फ़ोन होल्डर हो गया, ये मेरे हिसाब से 200 का है, फिर बाद में ये जो चिन माउंट है ये मेरे हिसाब से 500 कॉस्ट करेगा, 500 या फिर 450। तो ये सारी चीज़ें आपको परचेस करना पड़ेगा। गाइज, जो जो मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो भाई ज़्यादा सोचो मत, जो तुम लोग को पसंद है वही चीज़ करो। अक्सर होता क्या है, लोग है ना शुरुआत में आपके अगेंस्ट आपके जाएंगे, बट वक्त के साथ है ना हर कोई आपके साथ में आ जाएगा। और एक चीज़ मैंने बहुत सारे ब्लॉगर लोग को देखा, फ़ोन से बाइक पे एक हाथ से फ़ोन से ऐसा शूट कर रहा है, भाई गिर जाएगा, लग जाएगी भाई तेरे को। तो वो सब चीज़ देखने के बाद मैंने सोचा कि ये टॉपिक को कवर करना चाहिए, और पब्लिक कमेंट भी कर रही थी तो नेसेसरी हो गया था वो चीज़ मेरे लिए। बहुत सारे लोगों की हेल्प हो गई रहेगी, और जितने भी मेरे कम्युनिटी वाले जो भी मेरे साथ में उठते बैठते, तो उन लोग को भी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा मेरे वीडियो के थ्रू, भाई हर हफ्ते वीडियो अपलोड करने की कोशिश करो, अच्छे अच्छे थंबनेल बनाओ, टाइटल पर काम करो, और बाकी सब के लिए तो तुम्हारा भाई है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, किस चीज़ का टेंशन है तुम लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब कौन कौन किया इधर? मैंने किया, सब किए ना, चलो चलो अभी निकलते हम लोग, आ जा भाई। सो गाइस, कुछ इस तरीके का तुम लोगों को कैमरा एंगल मिलेगा, मतलब पूरा गोप्रो वाला फील देता है, और जल्दी से कोई पकड़ भी नहीं पाएगा कि भाई कैमरा से शूट कर रहा है या फिर फ़ोन से शूट कर रहा है, जैसे कि तुम लोगों को क्वालिटी देख के समझ में आती रहेगी। गाइज, यहाँ का व्यू चेक करो, कितना मस्त व्यू है, और इतने नज़दीक है हम लोग, सिर्फ हल्का है, देखो ऐसा सिर्फ हल्का ऐसा करूँगा ना गाड़ी सीधा पानी पे। गाइज, आप सेटअप ये सब मंगा के मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट तो कर लोगे, बट मेन गेम है ना एडिटिंग का है पूरा। अगर आप फ़ोन से शूट कर रहे हो और आपको क्वालिटी गोप्रो वाली आपको देना है, अपने ऑडियंस तक आपको पहुंचाना है, तो आपको एडिटिंग में बहुत ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। जो भी एंड्रॉयड यूज़र है उन लोगों को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, या तो आप काइनमास्टर से एडिट करो, या तो आप कैपकट से एडिट करो, और जो भी iOS यूज़र है मतलब आईफोन यूज़र है, तो तुम लोग भाई iMovie करके है उससे भी एडिटिंग कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं। गाइज, एक चीज़ मैं तुम लोग को बताना भूल गया था, मैं जो फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये फ़ोन का नाम है Xiaomi 11i HyperCharge। ये मैंने लिया था 27,000 में, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज,
तो तुम लोग जो भी फ़ोन से रिकॉर्ड करोगे ना, अगर आपके पास आईफोन है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बट अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो इस चीज़ का ध्यान देना, वो फ़ोन के अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप कोई भी वीडियो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, मोटो ब्लॉग कर ही नहीं सकते हो। और जिस किसी के भी पास फ़ोन ऐसा है जिसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं है, तो लेंस भी आता है अल्ट्रा वाइड एंगल का, तो उस वो प्रोडक्ट का भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो तुम लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई रहेगी, और कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी 500 सब्सक्राइबर की YouTube फैमिली बन चुकी है, अभी धीरे धीरे करके 1K सब्सक्राइबर हिट करना है। बहुत ज़्यादा भाई खुश हूँ मैं, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, उन सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। और जो हिसाब से भाई अपना YouTube चैनल ग्रो कर रहा है, वो हिसाब से ना भाई कोई भी बिगिनर का YouTube चैनल इतना जल्दी ग्रो नहीं करता है, बट बहुत ज़्यादा भाई मज़ा आ रहा है ये काम करके। So I hope you enjoy this video till the end. Be safe and ride safe, guys.